बात कर रहे हैं इस बीच बड़ी खबर की। लगातार हादसों से सबक नहीं ले रहा है रेलवे प्रशासन। एक के बाद एक बड़े हादसे कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन हादसों से कोई सबक नहीं ले रहा है रेलवे प्रशासन। बता दें कि इटावा में भिंड रेल लाइन की पटरी चटकी मिली है। रात भर चटकी पटरी पर कई ट्रेनें गुजरती रही। इस घटना के बाद भी अधिकारियों में हड़कंप है, लेकिन अभी तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया है। बात अगर की जाए रात की, तो रात भर टूटी चटकी पटरियों पर तमाम ट्रेनें गुजरती रहीं। भिंड रेलवे लाइन का यह मामला है जहां पर पटरी चटकी हुई पाई गई। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रमोद, अभी क्या स्थिति है? जानकारी के लिए प्रवीण, ये बीती रात का मामला है कि इटावा भिंड रेलवे लाइन पर एक पटरी टूट गई है, जिसको आन फान में तत्काल जिला प्रशासन को कराया गया, जिसके कारण अभी तक उस पटरी की मरम्मत नहीं हो पाई है। जी प्रमोद, अभी चित्रकूट में इससे पहले बड़ा हादसा हुआ था। लगातार एक के बाद एक हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रेलवे के लोग इन हादसों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जाने जा चुकी हैं रेल हादसे के दौरान, पर भी उसके बावजूद भी रेल प्रशासन की जू तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं, इटावा के रेल प्रशासन को भी शायद एक बड़े हादसे का इंतजार है। जी बिल्कुल प्रमोद, रात भर ट्रैक पर ट्रेनें गुजरती रही, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। अभी क्या स्थिति, क्या ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया है? जानकारी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रात भर ट्रेनें उससे गुजरती रही, ट्रेनें उससे गुजर रही हैं, रेल प्रशासन ने अभी तक उसकी मरम्मत कराने के लिए अभी तक कोई भी उचित उपाय नहीं किया गया है। कहा जा सकता है कि अभी भी किसी बड़े हादसे का इंतजार है, और जब तक वो बड़ा हादसा नहीं हो जाएगा तब तक रेलवे महकमे के लोग शायद सुधरेंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, नजर बनाए रखिएगा। बता दें कि रात भर गुजरती रही टूटी पटरी पर कई ट्रेनें, और अभी भी ये सिलसिला जारी है, यानी किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आप देखिए तस्वीरें, इटावा भिंड रेलवे ट्रैक का ये मामला है जहां पर टूटी और चटकी पटरियां पाई गई हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।